अस्सलाम वालेकुम शान भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। दुआ है आपकी। बोलिए। कहाँ, बहुत बिजी लगता है आप? क्या बहुत बिजी हैं शायद। करें, आप लोगों जैसे मोहब्बत करने वाले लोगों ने बहुत बिजी कर रखा है। प्यार ये ही इतना करते हैं तो क्या करोगे। शान भाई, मुझे एक चीज ये पूछना था। आपका व्हाट्सएप टेक्स्ट ये हो रहा है, वायरल हो रहा है, जैसे कि मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करने वाले हैं, तो उसका क्या है मतलब जी इसका? देखिए, कैसा है कि अभी जो ये मेरे हाथ में एक रिट पिटीशन है, ओके ये नोहरा शेख की लीगल टीम तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई थी, जिसका नंबर है 31 ऑफ 2020। ओके इसमें इन्होंने सबसे पहले क्लबिंग का इशू चल रहा था कि सब एफआईआर को एक जगह क्लब किया जाए। हाँ, उसके बाद जब वो वहां पर सक्सेस नहीं हुए, तो उसके बाद उन्होंने 2.5 साल का पीरियड बीतने के बाद उन्होंने वहां पे बेल अप्लाई की, और बेल में ये प्रेस दी कि हम 6 हफ्तों के अंदर इन्वेस्टर्स का अमाउंट, जो कंप्लेनेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने कंप्लेनेंट को दी, जहां जहां स्टेट में एफआईआर हुई है सबसे पहले उनका पैसा वो देने के लिए तैयार है बराबर एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। और बराबर। जिसमें से उन्हें कहा गया कि ऐसे एफआईओ में आपको 6 करोड़ भरना होगा, और उसके बाद आपको ईओडब्ल्यू, जो मुंबई में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जी उनसे कोऑर्डिनेशन द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, और जिस के अमाउंट है उन्हें वो पर रिफंड करने के लिए तैयार है, ऐसा वो ऑर्डर में किया गया। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ, 3 हफ्ते बीत चुके हैं और 3 हफ्ते बीतने के बाद अभी तक कोई भी ऐसी कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच नहीं किया गया है। तो हमारा जो इंटरवीन का मकसद है, हमारा इंटरवीन का मकसद ये है कि जो इसमें प्रताड़ित इन्वेस्टर्स हैं, परेशान हैं, चाहे वो कंप्लेनेंट हो या नॉन कंप्लेनेंट हो, ये विषय नहीं है। वो लोग अपने पैसे के लिए इंटरवीन कर सकते हैं, और इंटरवीन में ये शर्तें हैं कि अगर मैडम 6 हफ्तों में हमारा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे पास फिर दूसरा रास्ता है कि उसमें कैंसलेशन ऑफ बेल भी हो सकता है, या फिर उनके जो लीगल टीम है, जो हमारे इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनसे आप डायरेक्ट जो भी उनका पैसा दे रहे हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट्स लेके आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके उनका पैसा रिफंड कर सकते हैं। तो इंटरवीन करने का मकसद ये है। अगर आप मान लीजिए 6 हफ्ते में वो पैसा नहीं भर पाती है, कुछ लोग अभी भी उन लोगों को, बहुत सारे मासूम इन्वेस्टर को गुमराह कर रहे हैं कि आपा जेल चली जाएगी, आपा फिर कहां से पैसे देगी, 2.5 साल के बाद आई है, थोड़ा सब्र तो करो, बेसब्रो, मुझे भी धमकियां आ रही हैं, मुझे भी गालियां दी जा रही हैं, और तरह तरह के लोग हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग मीरा रोड से, मुमरा से मुझे धमकी भरे मैसेज, धमकी भरे फोन कर रहे हैं, बोले तेरे को ठिकाने पे लगा देंगे। शान भाई थोड़ा रोकना चाहूंगा। मतलब आपा को अभी कंप्लीट रिलीज तो हुआ नहीं है, अभी प्रोहिबिशन नहीं, पे है, 42 डेज पे है। तो मतलब अभी आपका राइट, इंटरव्यू करने का क्या मतलब है? अभी भी मतलब वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के नजर पे ही है, मतलब इनके से 42 डेज लैप्स हो जाते हैं तब जाके वो। इंटरवीन, सुनिए 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 मेरी बात। इंटरवीन करने का ये मतलब है, जो रिट पिटीशन ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, उस पिटीशन के मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग पहले इंटरवीन करते हैं, अगर मीन पहले मीन्स उस रिट पिटीशन में इंटरवीन करते हैं और वो लोग पैसा देने में फेल हो जाते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स का अमाउंट है वो नहीं दे सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट करें और कैंसलेशन बेल की एप्लीकेशन करके उनकी बेल कैंसल करा सकते हैं। मतलब लेकिन फोर्टी टू अगर फोर्टी नोएडा, टू डेज होने से पहले? अच्छा नहीं, उसके बाद अगर वो देने में नाकामयाब होती है, तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन इंटरव्यू का मतलब यह है, आज हम सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड पे आ गए, हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड पे आ गए, लेकिन उसी रिट पिटीशन में कल के दिन अगर वो हमसे पूछेंगे तुम्हारा लोकस क्या है, तुम्हारा क्या मोटिव है जो तुम इसमें इंटरवीन कर रहे हो, तो हम उसे बताएंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशन है, इसमें तमाम तेलंगाना के ऑर्डर है, कर्नाटका के ऑर्डर है, जहां जहां उन्होंने जिक्र किया, जो जो एफआईआर है वो, उनकी प्रेयर्स क्या क्या थी, वो सब है। तो हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स निकाले, सर्टिफाइड कॉपी निकाली सुप्रीम कोर्ट से, और उसके मद्देनजर रखते हुए हमारी जो सीनियर काउंसिल है, हमारी टीम एसोसिएट्स ने इसमें इंटरवीन करने का फैसला लिया है, तमाम इन्वेस्टर्स के साथ जो लोग हमारे साथ आए थे। शान भाई, इन केस क्या होता है अगर आप इंटरव्यू नहीं करते हैं, और इन केस क्या होता है 42 डेज में अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब वापस डिफॉल्ट हुए तो मतलब अरेस्ट हो ही जाएंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वाला सिस्टम नहीं है, उसके लिए भी ऐसा रहता है, अगर 42 डेज में वो नहीं दे पाती है तो उनकी लीगल टीम जो रहती है वो एक्सटेंड ऑफ द बेल का मोहलत मांग सकती है कि हमारी ये बेल को और एक्सटेंड किया जाए, हमारे बहुत सारी तरह तरह की, जैसे फ्रीज अकाउंट के बारे में बात कर सकती है, वो ये बता सकती है कि हमारे अकाउंटेंट, तो इन्वेस्टरों की पूरी डिटेल थी वो हमें पूरी नहीं मिल रही है, हमारे
जो रिकॉर्ड्स थे वो नहीं मिल रहे, बहुत सारी एक्सक्यूजेस हो सकती अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक्सक्यूजेस हो सकती है। और मैं पहले क्लियर बात कहना चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टरों के सभी के साथ खड़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कंप्लेनेंट है तो उनके साथ ही खड़ा हूँ। नहीं शान भाई, जो कहीं लोग कहीं ना हमें कहीं मार्केट में ऐसी बात चल रही है कि मतलब आप फीस मांग रहे हैं, सिर्फ कंप्लेनर की बात करते हैं, और शायद से कंप्लेनर को आप फॉलोअप भी नहीं कर, मतलब उनको फॉलोअप भी डिटेल्स भी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा ऐसा बात चल रही है। सुनिए ना, सबसे पहली बात, ये लोग बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज तक मुझसे मुलाकात नहीं की, जो अच्छा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करके आए हैं, अच्छा वो अच्छा लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे बैठ के ये कानून और कायदे सिखा रहे हैं। अच्छा मैं 2 दिन पहले की बात बताऊंगा, एक बंदा है मीरा रोड का, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, वो मुझसे मेरे बारे में वीडियो चला रहा है कि भाई हमारे से 10,000 ले लिए, 15,000 ले लिए, 20,000 ले लिए। मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, मेरा प्रोफेशन है एक वकालत, और एक्चुअली वकील के पास आप जब आते हैं तो एक उम्मीद से आते हैं कि ये मेरा काम करेगा, ठीक है। बराबर और जब बराबर कोर्ट का प्रोसेस, आपको पता है कि कोर्ट के प्रोसेस के लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। अब ये देख लीजिए, ये इतनी बड़ी पेटीशन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से निकालने के लिए, आप मुझे बताइए, ये कम से कम मैंने अपनी जेब से 20 से 25 हजार खर्चा करके ये निकाले हैं, मैंने इन्वेस्टरों का अमाउंट नहीं लिया है। अच्छा और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके साथ साथ मुंबई की जो चार्जशीट थी वो भी मैंने निकाली, क्योंकि अच्छा हमारे जो इन्वेस्टर्स थे बहुत सारे, उनके पास पैसा नहीं था उस वक्त। हाँ, बराबर स्टार्टिंग में जब वो लोग आए हमारे पास, कोई हमें कहता था सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास 2,000 है, कोई 3,000 है, कोई 5,000 है। यहाँ तक कि करीम भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी ऑफिस पे, अल्लाह माफ करे, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करना चाहता, लोग इतने परेशान आते थे कि उनके पास खाने तक की परेशानी थी, तो हम अपनी ऑफिस में बिठा के उनसे पैसा नहीं लेते थे कभी। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज ये लोग क्यों, इनके दिलों में जो वापिस से जहर उगल रहा है, वो क्यों उगल रहा है मालूम है? मैं क्यों इन्वेस्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टरों की आड़ में उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं? अरे, ये एडवोकेट को फिर से कैसे केस मिल गया? अच्छा मतलब बीच में मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो कंप्लेनेंट है शाने इलाही हारून शेख, जो मुंबई, साउथ मुंबई स्थित में रहते हैं, वहां के निवासी है, उनका 6 लाख रुपए इन्वेस्ट था, उनके भाई के साथ मिला के समथिंग कुछ 6-7 लाख इन्वेस्ट है। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था, आप पूरा रिकॉर्ड शाने इलाही से पूछ सकते हैं, मेरी गैर हाजिरी में मैंने कभी उनसे फोर्स किया पैसे के लिए, मैंने कभी उनको परेशान किया नहीं। लेकिन शाने इलाही से आप ये भी पूछ सकते हैं, जब भी कोई डॉक्यूमेंट के पैसे नहीं रहते थे, अगर मुझे कभी एफिडेविट फाइल करना है, वहां एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल करनी है या इंटरवीन करना था, तो मैंने कभी पैसे नहीं लिए, मेरी बात मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो ये गुमराह क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि मुझे वाशी वालों का फोन आया, मुझे थाना वालों का फोन आया, मुझे कल्याण वालों का फोन आया, मुझे भिवंडी वालों का फोन आया, यहाँ तक कि मुंबई वाले की, जो शाने इलाही की, जो इन्होंने गुमराह करके अपने एक एडवोकेट को केस दे दिया था, तो मैंने बराबर एनओसी दे दी थी उसमें। लेकिन आप उनसे पूछ लेना, वो एडवोकेट को ये लोग ने सबने मिला के 1.5 लाख रुपए दिए थे। अच्छा तो जब आपके पास दूसरे एडवोकेट के लिए 1.5 लाख रुपए हो सकते हैं, तो शाने इलाही के लिए आपके पास 5-10 हजार नहीं निकल सकते हैं? जो लीगल अमाउंट है, जो लीगल चार्जेस मांग रहा है, वो अपने घर चलाने के लिए नहीं मांग रहा है। और ये मेरा प्रोफेशन कहता है कि अगर जो लीगल चीज लगे, अगर आप वो भी नहीं दे सकते, तो आप फिर केस लड़ने के लायक नहीं। हाँ, बराबर बराबर, मतलब जो डॉक्यूमेंट के चार्जेस है वो तो मतलब उतना तो पड़ेगा ही नहीं अभी चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम वकालतनामे पे साइन करवा के नोटरी करवा रहे हैं, नोटरी कराने के, नोटरी पे सिग्नेचर करा के, उनके डॉक्यूमेंट वो करके, मैं यहाँ से पूरा कोरियर कराता हूँ, जो अच्छा मेरा सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है वहां पर भेजता हूँ, फिर वहां पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स का एक इंटरव्यू, पूरी ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग होने के बाद वो फाइनल होके उसको फाइलिंग होती है। तो आपको पता है हर स्टेप में थोड़ा बहुत अमाउंट लगता है, ड्राफ्टिंग, आपको खुद पता है, पत्रकार है। लेकिन ये लोग उसको मुद्दा इसलिए बनाना चाहते हैं, ये शाने इलाही करप्ट है, ये शाने इलाही पैसे मांगता है। अरे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई, मैं लीगल चार्जेस जो है, एक वकील हूँ पेशे से, मैं अपने लीगल चार्जेस मांगूंगा, जो मेरी लीगल फीस है, और मैंने फीस नहीं मांगी इसमें, ये पेपर के नॉमिनल चार्जेस मांगे हैं कहीं ना कहीं मैंने। तो लेकिन मतलब अभी कैसा होगा, मतलब अगर आप इंटरवीन करेंगे तो उसके बाद में मतलब आप कैसा बोल सकते हैं कि मतलब ये अभी जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने ऑर्डर पढ़ा है, वहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब अभी जो कंपोनेंट्स हैं उनको पैसा, जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको पैसा, अभी जो बेनिफिट हो गया, बेनिफिट के बाद में जो उनका जो कैपिटल अमाउंट है, जो बचा हुआ पैसा वही मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा देखिए, क्लैरिटी। अभी तक उस बारे में अभी तक ये पता नहीं है कि इन्वेस्टर का क्या अमाउंट, अभी तक उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया है। अगर वो ईओडब्ल्यू में उनकी लीगल टीम आती है, तो वो अपना एक
अपना जो पूरा उन्होंने बनाया हुआ चिट्ठा किट्ठा है वो सबमिट करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड मांगेंगे, कितने एप्लीकेंट्स ने कंप्लेंट दर्ज की है आपके ऑफिस पे, कितना टोटल अमाउंट हो चुका है आपके पास, हाँ कितने जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन जो होगा वो होगा। उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि कितने को हमने कितना दिया, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले उन्हें ये डिसाइड करना होगा इतने कंप्लेंट ने आपके पास कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो दर्ज कराने के बाद इतना कंप्लेंट आपके पास आई है तो इतना अमाउंट बनता है। तो ईओडब्ल्यू जो चार्जशीट में भी अटैच है तो लोगों के नाम, और बहुत सारे लोग जैसे वहां के मुंबई के कंप्लेनेंट शाने इलाई हारून शेख है, उनके क्लबिंग में मतलब ज्वाइंट में जो मर्ज किए गए हैं वो बाकी के नाम है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी के नाम है तो उनको नहीं मिलेगा, उनके नाम एफआईआर के नहीं तो उनके साथ चार्जशीट में लगाए गए हैं, और अभी तक सेशन कोर्ट में फाइनल चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है, अभी तक एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही फाइल हुई है वहां पर। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाना एक सही फैसला है, ये शाने इलाही का अकेले का फैसला नहीं है, जो हमारे सीनियर काउंसिल दिल्ली में भी बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी कहा यह बहुत जरूरी है, और ये बेल जो दी गई है नोहरा शेख जी को ये एक बहुत अच्छी बेंच थी, ये बहुत सोबर शांत बेंच है जिसकी वजह से उन्हें एक ऑर्डर मिल गया है। लेकिन आपने ऑर्डर में एक चीज पढ़ा, एक चीज आपने देखा होगा कि मतलब उन्होंने ये बताया कि आपा को बाहर निकल के अगर आप बिजनेस चाहिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। सुनिए ना मेरी बात, वो बात की बात है, हाँ। सब वो ऑर्डर मतलब बाहर निकले बिजनेस करे वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे द एंटायर इन्वेस्टर अमाउंट, देन आफ्टर दैट व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ योर कंपनी, यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी तुम्हारा होगा वो फॉलो कीजिए एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। आप इन्वेस्टर्स के जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वेल एंड गुड, हमने कभी नहीं कहा कि आप मत जुड़ो आप नहीं करो, हमारा एक मकसद है बीइंग एज एडवोकेट कि भाई आपने जो पैसा लिया है इन्वेस्टर्स का वो पैसा रिटर्न कर दीजिए, हमने आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं मांगा। हाँ कुछ लोग जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जरा उनसे एक सवाल पूछना करीम भाई, बोलिए कि आप लोग ना एडवोकेट हो ना आप लोग सोशलिस्ट हो बहुत बड़े, तो आप लोग क्यों इतनी जद्दोजहद करो ना आपको इन्वेस्टरों का अमाउंट मिलने वाला है। हीरा गोल्ड विक्टिम एसोसिएशन के मेंबर है। सुनिए ना ये विक्टिम एसोसिएशन कब बनी, ये तो कब बनी, आपा अरेस्ट होने के बाद, जब आपा अरेस्ट हुई, आपा अरेस्ट तो हमारी एफआईआर के बाद हुई थी मुंबई में, विक्टिम एसोसिएशन बाद में बनी। क्या आप मुझे बताइए विक्टिम एसोसिएशन के नाम पे लोगों को पैसा नहीं लिया गया? क्या पुणे में जो एक एसोसिएशन बनी थी क्या उनसे चार्जेस नहीं लिए गए? सबसे चार्जेस लिए गए, लेकिन मेरे ऊपर जो पर्सनल अटैक जो कर रहे हैं ना उनसे ये उनको डर ये है अगर ये केस इसके पास फिर चला गया तो हम लोगों ने ग्राउंड तैयार किया है, अब आपस से हम डिमांड करेंगे देखो हम तो लड़ रहे इतने दिन से हमारा भी कुछ बनता है। भैया वो तो वकील हूँ, मेरा काम तो नहीं है आपस से डिमांड करना कुछ करना, मैं तो भैया गरीब इंसान हूँ भाई, जो फीस देंगे उससे मेरा घर चलता है, मैं तो डिमांड नहीं कर सकूंगा, मैं एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं हूँ, मैं थ्रेटनिंग नहीं करता हूँ किसी को, मैं करप्शनिस्ट नहीं हूँ, जो लीगल ऑन रिकॉर्ड है वो लेता हूँ, और मैं वकील हूँ भाई, प्रोफेशन मेरा कहता है वकील, वकालत को तो अगर 5-10 हज़ार नहीं ली तो मुझे घर पे बैठ जाना चाहिए ये सब काम छोड़ के। नहीं अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब 42 डेज में कंप्लेनर को पैसा मिलेगा उसके बारे में? जहां तक कि उनका ऑर्डर है, जहां तक कि मुझे पता है कि 3-4 वीक्स में अगर वो नहीं दे पाती है, लाइक अगर अप्रोच नहीं करती है 6 वीक्स के बाद कुछ वो अलग एक नहीं आनी बनाती बताती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो हम इंटरव्यू जो कर रहे हैं ना हम उसके माध्यम से हम एक एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। अगर आप नहीं दे रही है मतलब आज भी आप इन्वेस्टरों को धोखे में रख रही है, तो कहीं ना कहीं हम कैंसलेशन बेल के लिए जा सकते हैं। नहीं अभी जो या तो आप अभी अभी मतलब टेम्पररी बेस में बाहर है, मतलब अगर इनके पैसा नहीं देती सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो वापिस अरेस्ट हो ही जाएगी ना। हाँ अभी जो टेम्पररी बेल मिला है 42 डेज का रिलीफ मिला है, अगर इन केस 42 डेज में जो कंप्लेनर है उसको पेमेंट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली बेल मिली जाए, मतलब ऑटोमेटिकली बेल कैंसिल हो ही जाएगा ना, मतलब उसके बाद में बेल थोड़ी होगी, वापस अरेस्ट होने वाला कॉन्सेप्ट है ना। बेल कैंसिल नहीं होगी, उसके लिए अप्रोच करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा डायरेक्ट नहीं होती, इंटरिम एक्सटेंड हो सकती है, मौका दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक्सटेंड होगा तो भी कितना दिन होगा? हाँ एक्सटेंड होगा तो भी कितना दिन होगा, कितने दिन के लिए? एज पर द प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लाइक अभी 6 हफ्ते दिए, हो सकता है उसमें 3 हफ्ते दो हफ्ते दे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर वो नहीं दे पाती है तो फिर इंटरवीन करने का ये मकसद आज मैं लोगों को बता दूं कि इंटरवीन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो कल के दिन अगर 6 हफ्तों में नहीं भी करोगे ना
6 हफ्ते के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को जाना ही पड़ेगा हमको। अगर अच्छा नहीं देंगे तो फिर कहाँ जाओगे आप? मुंबई हाई कोर्ट में जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है। तो फिर तो आपको अपने खर्चे से जाना पड़ेगा, आपको रहना होटल करना पड़ेगा, ट्रेन का टिकट करना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, वकालत वकील की फीस देनी पड़ेगी, हर चीज करनी पड़ेगी। या तो शाने ला, या तो पका पकाया थाली में दे रहा है फिर भी गालियां दे रहे हो, फिर भी बोले मार दो पीट दो, अरे भाई ऐसा है, अरे भक्त है और ये है। अरे मेरे भाई अकल के, मेरे दोस्तों, मेरे दुश्मनों, जो भी है, मैं सबसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नॉन कंप्लेंट हो कि कंप्लेनेंट हो, आपका अमाउंट मिलना चाहिए। मुझे आपके ना अमाउंट में कुछ चाहिए ना इंटरेस्ट है, मेरा काम है एक वकालत, सच्चाई की लड़ाई कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा। अच्छा शान भाई, एक चीज और क्लैरिटी कर दीजिए कि मतलब अभी भी ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट ले रहे हैं? देखिए जहां तक कि लास्ट वीक का सवाल है, मैं वहां गया था तो बहुत सारों की कंप्लेंट जिनकी नहीं है उनकी तो अगर वो अप्रोच कर रहे हैं तो ले रहे हैं, क्योंकि मैं लास्ट वीक गया था तो ले रहे थे। लेकिन उसके बाद मैंने, ऑर्डर के हिसाब से जो तक का मतलब ऑर्डर आने से पहले जो कंप्लेंट हुए उन्हीं को पैसा मिलना हाँ, चाहिए। ऑर्डर आने से पहले तक का ले रहे थे। अब ऑर्डर आने के बाद मैं ईओडब्ल्यू में विजिट नहीं किया हूँ, ओके लेकिन उसके बाद का, क्योंकि कैसा है ना, उसमें एक बताया गया है कि मैं पहले कंप्लेनेंट का पैसा दूंगी, उसके बाद मैं जो है नॉन कंप्लेनेंट को अप्रोच करूंगी, उनकी एजीएम तो उनकी कंपनी जो बताती है, जैसे उनकी कंपनी की मीटिंग होती है उसमें जो इनके बड़े बड़े एजेंट्स जो भी लोग हैं जो कंपनी को सेल्स करते हैं, मतलब इनकी जो हीरा ग्रुप्स के बारे में जो भी है, सेल्स की टीम की मीटिंग होगी, वो सब डिसाइड होगा कि भाई आपको कैसा दिया जाएगा। अब उनके साथ आप जाना चाहते हैं, वेलन गुड, हम क्यों रोकते हैं भाई, चाहिए आपका पैसा है, आप कहीं भी जा सकते हो, उनके पास जहां भी जाइए, आप स्विस बैंक में भी पैसा रखाएंगे, आपकी मर्जी, आपका पैसा है, करोड़ों के मालिक आप है, तो छोटे मोटे वकील है भाई, हमारी क्या औकात आपके सामने, आप जाइए। उसके बाद भी आप लोग हमें गालियां, इतने प्यार मोहब्बत देते, बड़ा दिल खुश हो जाता है यार, वो गाली सुनता हूँ तो इतना अच्छा लगता है, इतने प्यार करने वाले मेरे भी लोग हैं यार, मोदी साहब को इतना लाइक करते हैं, उसके साथ साथ मुझे भी करते हैं, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और एक तरफ चाहने लाइक, मतलब इतना प्यार है, इतने फॉलोअर्स है मेरे, हो सकता है कि अगली बार मैं भी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाऊं। नहीं, शान भाई मुझे एक चीज ये बताइए कि मतलब इन अभी नॉन कंप्लेनर का क्या होगा, मतलब जो अभी तक का इनिशिएटिव नहीं लिया है जो आप आके भरोसे देखो मैं दिए। सबसे पहले एक चीज सभी को बताना चाहता हूँ, नॉन कंप्लेनेंट्स हो या कम, डरने की जरूरत नहीं आप लोग को। सबसे पहले जो दहशत लाए ना आपके आजू बाजू वाले, जो आपको डराने वाले, ऐसा हो जाएगा, लूट जाओगे, नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, मैं आपको भी आज बोल रहा हूँ बड़े शांति तरीके से, आपकी मर्जी, आप कोई भी एडवोकेट को अप्रोच कीजिए, शाने लाई को मत कीजिए, अगर नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने एडवोकेट को भी करिए, उसको फीस दीजिए, ज्यादा दीजिए उसको, उसको अच्छा वो कीजिए, लेकिन आपको जाना सुप्रीम कोर्ट ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बेल ऑर्डर हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुआ है। अगर कल के दिन वो बेल लाइक अमाउंट देने में फेल हो जाती है, क्लेम नहीं दे सकती है, तो फिर देन वी हैव टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, बॉर वी डोंट हैव एनी अदर वे, वी हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मतलब 42 डेज के बाद में जो नॉन बात कंप्लेंट है बात उसकी बात कर रहे हैं। नॉन कंप्लेनेंट्स हो या कंप्लेनेंट, देखिए कंप्लेनेंट भी पूरे लोग अभी वहां गए नहीं है, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ हमारे पास 20 से 25 लोग थे जिनका मैंने इंटरव्यू कराया है, लास्ट में गया था दिल्ली लास्ट वीक में, तो 20 से 25 लोग का मैंने कराया है, और मैं सभी लोग से एक कहना चाहता हूँ भाई, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं, आप मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं आपके लिए जरूर खड़ा रहूंगा, आपका पैसा है, आपका हक का पैसा है, और हमारा काम है आपका पैसा पूरी जद्दोजहद करके आपको एंड तक आपका पैसा दिलवाना, आपको जहां मेरी मदद लगे, ईओडब्ल्यू में या फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे पास आइए, मुझसे काम कराइए, आपको नजर में और अच्छे एडवोकेट होंगे, आपके और सीनियर काउंसिल होंगे, सीनियर लॉयर्स होंगे, आप करा सकते हैं, लेकिन बशर्ते वहां भी आपको फीस देना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भाई आपा की हालत बहुत खराब है, आपा बाहर निकलेगी पैसा देगी। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं नोहेरा शेख जी के खिलाफ पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ, मेरा काम है कंप्लेनेंट का जो अमाउंट आता है, लाइक कंप्लेनेंट ने जो इन्वेस्टर ने जो कंप्लेंट की थी उनके लिए मैं लड़ रहा था, लेकिन लोगों को गुमराह किया गया, अरे आपा को अंदर डलवा दिया गया, आपा को हमने, सुनिए ये बात भी आज मैं कहना चाहता हूँ, आपा को अंदर हमने नहीं डलाया, आपा के कंपनी के रिकॉर्ड्स निकाले गए, इन्वेस्टिगेशन हुआ SFI टीम द्वारा, ईओडब्ल्यू द्वारा, ईडी, और एक बताना चाहता हूँ, ईडी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नई पिटीशन फाइल की है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ हीरा गोल्ड,
ये भी आपको बताना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि ईडी को ईडी के पास भी शाने इलाही तो नहीं चला गया, नहीं ये कल की पूरे देश, ये दो दिन पहले की है जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, मैं दो दिन पहले की नहीं, जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया था लास्ट वीक में, तब एक एसएलपी फाइल हुई थी, मेरे काउंसिल ने मुझे बताया था। मैं आपको जब भी कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुमराह भी मत होइए उसके साथ साथ। गुमराह होके आपको जाना का ही है, एक रास्ते पे और चले गलत रास्ते पे जा रहे हैं, याद रखिए ये आपके लिए नुकसान होगा, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे चलिए। आपका पैसा है, आपकी मेहनत का आपको मिलना। हमारा नोहरा शेख जी से भी एक सवाल है, मैडम अगर आपको जो आपको इनसे पूछना है, आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं लीगली, जैसे भी आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी है, उसे करिए और उनका पैसा जो बनता है उन्हें दे दीजिए। हमारा तो यही है अप्रोच, हमारे एप्लीकेंट्स ने हमें किया था, हम उनके मद्देनजर कोर्ट पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाम के लिए क्या मैसेज होगा, फाइनल मैसेज दीजिए। अवाम के लिए मेरा एक ही मैसेज है, शाने इलाही को आप दिन और रात जब भी 24 घंटों में फोन करेंगे, वो आपके लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त बन के खड़ा था और खड़ा है। लेकिन कुछ लोग, कुछ एक्सटॉर्शनिस्ट, कुछ थ्रेटनर्स, कुछ क्रिमिनल्स जो शाने इलाही को धमकी देके ये सोच रहे हैं कि इसे डरा देंगे, इसको मार देंगे, उन्हें क्लियर कर सकता हूँ कि मुंबई पुलिस के पास इनके सबके रिकॉर्ड्स है। जो लोग, जो कंप्लेनेंट्स की बात, इन्वेस्टर्स की नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के आड़ में ये गलत तरीके के मैसेज फैला रहे हैं। और दूसरी बात, मेरी पैदाइश मुंबई में हुई है बताना चाहता हूँ, और बड़ा भी यहाँ हुआ है, पढ़ाई भी यहाँ की है। मेरे दादा एज राज्यसभा सांसद है, मैं ये बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के। अच्छा। शफीकुर रहमान बर्क, आप रिकॉर्ड निकाल लेना, समाजवाद संभल से, संभल मेरा गाँव है, मेरा वतन है, जहाँ पे हम तुर्किस्तान के लोग रहते थे, अब हम मुंबई में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन दिल्ली में भी हमारा घर है, संभल में भी है। आप आइए, बड़ी मोहब्बत से, आपको प्यार मोहब्बत के साथ, आपके साथ जितनी इज्जत से दूसरों के साथ रहते थे, आपको भी आपके साथ रहेंगे। ये तो आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, मैं धमकी किसी को, मैं उनको बता रहा हूँ, जो लोग इन्वेस्टर की आड़ में मुझे जो गाली गलौज दे रहे हैं, जो लोग मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं बताता हूँ, अभी तक मैंने ये रास्ता अपनाया नहीं है। अगर मैं भी लेवल तक जाके कंप्लेंट करूं तो फिर मैटर आपको भी पता है कहां तक जाएगा। अच्छा शान भाई, एक अगर आप एक लोग, एक आखिरी सवाल है, मतलब आप फीस कैसा है, मतलब आपका कोई फिक्स फीस है, कैसा मैं वो फीस ले रहे हैं आप? नहीं, देखिए मेरा कैसा मानना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब हम जा रहे थे तो वहां पे एटलीस्ट पिटीशन फाइल करने का ही आपको खुद पता है, ऐसा बोला मुंबई क्या हाई कोर्ट में, पर हेड आप पर इन्वेस्टर आप 30,000 चार्ज कर रहे हैं? नहीं, ये सब गलत बात है। मैंने, वो लोग आए हमारे पास 5,000 लेके, अगर मैंने किसी को बोला 10 चाहिए, सर नहीं है मेरे पास 5, में कल लाके आपको अगले हफ्ते देता हूँ, अगले हफ्ते देता हूँ, तो ऐसे लेके जाते हैं भाई। ठीक है, उनका भी काम हुआ, जो लोगों ने 5 दिए, 7 दिए, 8 दिए, उनका भी काम हुआ, मैंने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, फिक्स नहीं बोल, लेकिन हाँ जो लोगों के अमाउंट 50 लाख थे, 1 करोड़ थे, जो भी थे, तो हमने उनसे बोला एटलीस्ट आपका इतना बड़ा अमाउंट है, थोड़ा जो भी है खर्चा, तो नॉमिनल 10,000-15,000 तो ये पेपर वर्क के लिए बनता है, मुझे दिल्ली जाना है, वो काम करना है, वो सबमिट करना है, वो फाइलिंग करनी है, लेकिन वो तो बनता है, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो मतलब फिर कहीं ना कहीं इस चीज को आप फिर मुझसे एक कंप्लेन लेके मेरी रिकॉर्डिंग करके चलाओगे। अब मुझे इतना फेमस कर दिया कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी मुझे भी। अच्छा। मोदी जी को मैंने अप्लाई किया कि मुझे भी एक NSG कमांडो दिए जाए, क्योंकि मेरी भी सब मतलब इतनी वाहवाही हो रही है, बस गालियों से तो सुनता तो बड़ा दिल बहुत खुश हो जाता है भाई, बहुत अच्छा लगता है इनसे, और गाली दीजिए, लेकिन मैं आपका काम करके रहूंगा, अभी तक आपको अभी पैसे दिला के रहूंगा। कितने कंप्लेंट आपके पास इकट्ठा हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए? मैंने 20 से 25 का इंटरवीन कर दिया है। ओके। और बाकी लोगों ने हम लोगों को कहा है कि थोड़ा एक, मैंने उनसे कहा है 6 हफ्ते के पहले पहले अगर आप सबमिट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज 6 हफ्ते के बाद जाएंगे तो देन प्रोसेस विल बी जैसा एज पर द गाइडलाइंस फॉर सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वैसे चलना पड़ेगा, फिर आपकी मर्जी है, उसमें कोई प्रेशर नहीं, कोई आपकी मर्जी, दिल को तसल्ली रख के आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, नहीं आना चाहते नहीं आ सकते, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं, आप मेरे पास ही आओगे तो काम होएगा, बहुत है, आप करवा सकते हैं कहीं भी काम, लेकिन जहां भी जाओगे आपको नॉमिनल चार्जेस तो देने ही पड़ते हैं। ठीक है शान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया करीब भाई, दुआ है शायद। मैं बाहर था, तुम्हारा आया तो मैं अर्जेंटली एक सेटअप बना के इधर बैठ गया। अच्छा। मैं ऑफिस में भी नहीं हूँ, अपने दूसरे के ऑफिस में था। ओके ओके ओके। तो अभी मतलब अभी आपने अपना जो ऑफिस है वो चेंज किया है क्या? हाँ, मेरा ऑफिस अभी बैंड्रा कोर्ट के राइट हैंड साइड में कला नगर में ही है। ओके। मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, वहाँ मेन हाईवे पर ही है, रोड पर ही है, बैंड्रा में ही है।
कला नगर में, हमारी एसोसिएट्स है हमारी पूरी वहाँ पे, ओके वहाँ हमारे वहाँ सिविल के काम है, प्रॉपर्टीज के आप मैटर हैं, फैमिली मैटर्स, क्राइम मैटर्स, नोटरी वोटरी, एसआरए मैटर्स, महाडा सब देखते हैं हमारी टीम। अच्छा, चलेगा, जरूर आप कभी, मुलाकात करेंगे, कभी उस तरफ आऊंगा तो जरूर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के मेरे इन्वेस्टरों से माफी मांगना चाहता हूँ अगर आपको गलत लगा, और मुझे प्रधानमंत्री बनाने में पूरी मदद कीजिए। चलो भाई, शुक्रिया, सलाम शुक्रिया, अलैकुम। वालेकुम सलाम।